देखो, हम लोगों ने क्या सीखा आज इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एलसी ऑक्सीलेशन। ये बताता है किसी सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर साथ साथ लगा दो तो वो उन दोनों की एनर्जी आपस में कांस्टेंट रहती है और इस सर्किट को टैंक सर्किट कहते हैं। बता चुका मैं, अब मुझे प्रूफ करना था, क्या झूठ तो नहीं है? क्या दोनों की एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है? सच है या झूठ है? देखते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक सर्किट ले लिया। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जो बोलूं, जो मैं बोलूं, नजरें वहीं जानी चाहिए, नजरें वहीं जानी चाहिए। स्टार्ट। हमने एक सर्किट ले लिया कैपेसिटर और इंडक्टर का। हमने देखा शुरू में कैपेसिटर फुल चार्ज था। ध्यान से सुनना, जब टाइम टी इक्वल टू 0 था तो चार्ज क्यू इक्वल टू क्यू नॉट था, करंट थी ही नहीं तो करंट आई की वैल्यू 0 थी, इनिशियल केस था। तो हमने देखा कि इंडक्टर का वोल्टेज है V1, कैपेसिटर का वोल्टेज है V2, तो मैंने सर्किट में V1 प्लस V2 इक्वल टू 0 किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगा दिया। लगा दो तो V1 की वैल्यू आती है, इंडक्टर का वोल्टेज क्या होता है, इंडक्टर का वोल्टेज होता है L di अपॉन dt, वो भी माइनस का। कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है, Q अपॉन C इक्वल टू 0। तो कुल मिला के हमने क्या देखा, माइनस का L di अपॉन dt प्लस Q अपॉन C इक्वल टू 0। फिर समझो, हम जानते हैं करंट डिक्रीज हो रही है इसलिए I इक्वल टू होता है बच्चे dQ अपॉन dt, लेकिन माइनस का। हमने वो I की वैल्यू उठा के उसी में इक्वेशन में लगा दी तो बचा क्या, माइनस का L ब्रैकेट डी अपॉन डी टी माइनस का डी क्यू अपॉन डी टी प्लस का क्यू अपॉन सी इक्वल टू 0। तो क्या मिला, प्लस हो गया वो माइनस माइनस प्लस एल डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन सी इक्वल टू 0। ध्यान देना, डिवाइडिंग बाय एल ऑन बोथ साइड, एल से डिवाइड कर दिया तो डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस कितना क्यू अपॉन एल सी इक्वल टू 0। हम जानते हैं 1/LC ओमेगा स्क्वायर होता है, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ थोड़ा बहुत, इसलिए डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर Q इक्वल टू कितना, 0। तो हमको एक इक्वेशन मिल गई डी टू क्यू अपन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इक्वल टू 0, जो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ चार्ज की। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि डबल टू पावर की इक्वेशन है, टू ऑर्डर की इक्वेशन है, डी टू क्यू है। इसका मतलब उसमें चार्ज की दो वैल्यूज आएंगी या चार्ज में दो कॉन्स्टेंट आएंगे, थ्री होते तो तीन कांस्टेंट, चार होते तो चार कांस्टेंट, यहाँ दो आएंगे। तो मैंने वो कांस्टेंट जो आए ए और बी के फॉर्म में, मैंने इसके सॉल्यूशन को लिखा। सॉल्यूशन तुमको ये याद रखना है कि यही होता है। तो क्यू इक्वल टू क्या सॉल्यूशन लिखा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। अब इसमें ए और बी अननोन है, उनको मुझे लाना है और वो वहीं लाके रख देना है। उनको लाने का क्या तरीका था, मेरे पास कॉन्स्टेंट चीजें थी शुरू में, टी इक्वल टू 0 पर क्यू इक्वल टू क्यू नॉट पहला केस, और टी इक्वल टू 0 पर आई इक्वल टू 0 दूसरा केस। पहला केस रखा टी इक्वल टू 0 पर क्यू इक्वल टू क्यू नॉट, तो तुम ध्यान देना मैंने रख दिया उसमें क्यू की जगह क्यू नॉट रख दिया, ए कॉस ओमेगा टी की जगह 0 प्लस बी साइन ओमेगा टी की जगह 0। तो क्यू नॉट इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी तो 1 हो गया और बी साइन ओमेगा टी 0 हो गया, तो क्यू नॉट इक्वल टू ए आ गया, मतलब ए इक्वल टू क्यू नॉट आ गया, बात खत्म। जब ये a इक्वल टू क्यू नॉट आ गया, अब देखो ध्यान से यहाँ पे, तो जब a इक्वल टू क्यू नॉट आ गया तो तुम देखोगे अब हमें दूसरी इक्वेशन रखनी है। दूसरी इक्वेशन में हमने क्या किया कि जब t इक्वल टू 0 था तो हमने क्या देखा, i इक्वल टू 0। लेकिन एक बार बताओ, t इक्वल टू 0 पर क्या i इक्वल टू 0 संभव है, पॉसिबल है? देखने पर लगा कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन थी, सोल्यूशन थी, वो क्यू इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, उसमें i नहीं था। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम दैट चार्ज क्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू। तो फर्स्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, फिर डी अपॉन डी टी ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, कब दिया डिफरेंशिएट, तो आई इक्वल टू क्या आ गया, ए कॉस ओमेगा टी था इसका बना, ए ब्रैकेट में माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा प्लस बी ब्रैकेट में कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब इसमें हमने क्यू की जगह सॉरी आई की जगह हमने रख दिया 0 और टी की जगह रख दिया 0,
रख दो, आई की जगह जीरो, टी की जगह जीरो रख दिया, तो देखोगे सब कुछ जीरो हो गया, तो बी ओमेगा इक्वल टू जीरो आया, तो बी इक्वल टू जीरो आ गया। तो ए की वैल्यू क्यू नॉट आ चुकी थी, बी की वैल्यू जीरो आ गई, उठा के रख दो उसमें, तो क्यू इक्वल टू कितना आया, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, जीरो हो गया बाकी सब ड्रामा। तो जब क्यू इक्वल टू हो गया कितना, ए की जगह कितना, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, तो हमें इक्वेशन मिल चुकी चार्ज की। अब हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ कैपेसिटर यू वन। तो जब एनर्जी ऑफ हमने कैपेसिटर निकाला तो उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। क्या होता है, 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी होता है। अब क्यू की जगह क्या ला चुके हो तुम, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी ला चुके हो, रख दो। तो यू वन इक्वल टू क्यू नॉट कॉस स्क्वायर, क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2 सी, बात खत्म। अब हमें लानी है इंडक्टर की एनर्जी। इंडक्टर की एनर्जी क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। अब सोचो आई हमको नहीं पता है क्योंकि हमारे पास चार्ज आया था क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। अब इस चार्ज q नॉट cos ओमेगा t को डिफरेंशिएट करके i बनाओ, तो i इक्वल टू dq अपॉन dt, तो फिर d अपॉन dt q नॉट cos ओमेगा t, तो q नॉट बाहर माइनस का साइन ओमेगा t इनटू ओमेगा। आ गया i, रख दो उसमें हाफ एल आई स्क्वायर में उठा के इसको, तो u2 इक्वल टू हाफ एल आई कितना, q नॉट ओमेगा cos सॉरी साइन ओमेगा t का होल स्क्वायर, तो कितना आया हाफ l, फिर क्या बचा q नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन एलसी रख दो, एलसी एल कट गया, तो यू टू इक्वल टू कितना आया 1 अपॉन 2 सी क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बात खत्म, वो आ गया U2। अब हम क्या चाहते हो कि सबकी एनर्जी टोटल हो जाए, तो टोटल एनर्जी टी इक्वल टू यू वन प्लस यू टू। यू वन कितना था यार, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 सी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यू टू कितना आया, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 सी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐड कर दो, तो q नॉट स्क्वायर अपॉन 2c कॉमन cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस sin स्क्वायर ओमेगा t वो 1 होता है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कितना आया, q नॉट स्क्वायर अपॉन 2c आ गया, 1 तो भाड़ में गया। तो q नॉट स्क्वायर अपॉन 2c में हमने क्या देखा, q नॉट इज अ कांस्टेंट इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, c इज अ कांस्टेंट कैपेसिटेंस डजंट चेंज, इसका मतलब टू कांस्टेंट, तो बचा क्या सब कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया q नॉट स्क्वायर अपॉन 2c इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब द टोटल एनर्जी ऑफ द टैंक सर्किट मींस इंडक्टर और द कैपेसिटर पैरेलल सर्किट रिमेंस कांस्टेंट q नॉट स्क्वायर अपॉन 2c। क्या तुम लोगों को सारी बात समझ में ये सब कुछ आ गया या नहीं आया, बता दो मुझे। आ गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसको तुम लोग भी अच्छे से करके तैयारी करके इसको रख लेना, और इसको मैं आज यहीं पर रोकता हूँ। अब तुम लोग अपना पढ़ाई कर लो और हम लोग मिलते हैं। जो डाउट है वो अभी बता दूं। बोलो, तुरंत बोलो सर। वो न्यूमेरिकल से फोटो भेज दो आपको अभी व्हाट्सएप पे, या वीडियो ऑन करके दिखा दूं, छोटे ही ज्यादा बड़े मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। चलो इसको हम बंद करते हैं, लेफ्ट करते हैं इसको।